more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. Liana, aap hi Saurabh sir, aap hi please. अजय सर आपका फैन क्लब है, रेट की पूरी फैन क्लब है वहां पे. अरे आ गए सर, एक बार तालियां बजाओ जोर से. हमेशा इतना प्यार मिलता है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो सर अभी तो मेरे ख्याल से आज इस साल 2018 में आपको सिर्फ अमय पटनायक के नाम से जाना जाएगा, बिकॉज द कैरेक्टर्स लुकिंग वेरी नाइस. एंड आई मस्ट से कि जब आप चश्मा पहनते हैं वेटर्स और सादी वर्दी में मुस्टाज रख के आते हैं, मुझे लगता है देश में अब सब ठीक हो जाएगा. द कन्विक्शन यू हैव यू पुट इन सच कैरेक्टर सर. इट्स नॉट द कन्विक्शन ऑल्सो, इफ वन जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है और ये कैरेक्टर मैं किसी जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रे कर रहा हूँ जी, तो उससे एक और एक्साइटमेंट हो जाती है कि यू नो रियल लाइफ में अगर किसी ने ऐसे किया था तो कैसे किया होगा. फिर उसके बाद एक अच्छे खासे राइटर है हमारे रितेश, उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खासा लिख दिया. तो फिर जो डायरेक्टर है उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी डायरेक्शन कर दी, तो ये सब मिला के उस सब परफॉर्मेंस में भी ऐड हो जाता है. तो ये जो थोड़ा 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 ऐड हो गया उसमें आपका कितना सर है? नहीं, ज्यादातर इनका ही होता, अगर खराब लिखा होता तो मैं क्या कर लेता. बट सर आपने जो टैगलाइन है वो आपने दी है और ऐसा हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि हीरोज डोंट Only come in uniform, ये जो है ये आपकी तरफ से आया, तो ये इसका आइडिया कैसे आया आपके? क्योंकि अब तक जितने मैंने प्ले किए ज़्यादा यूनिफॉर्म वाले प्ले किए, तो इसमें यूनिफॉर्म नहीं था, I was missing the uniform, तो मुझे लगा कि आई थिंक ऐसा भी होना चाहिए और फैक्ट भी है जी. और जो डायलॉग्स हैं वो इतने पावरफुल हैं, मतलब ससुराल से खाली हाथ गया था, बाकी नहीं आया कभी, तो खूबसूरत डायलॉग, इसलिए मैंने राइटर और डायरेक्टर का नाम लिया. बट सर जैसे सिंह में भी डायलॉग्स थे, वंस अपॉन अ टाइम में भी आपके लेजेंडरी डायलॉग्स हैं, इसमें वो कुछ नहीं, बहुत सटल तरीके से बोल रहे, एक स्माइल के साथ. मतलब इसमें जो अच्छी चीज है कि बहुत ही रियलिस्टिक है, फैबुलस डायलॉग्स हैं, ऐसा भी नहीं लगता अरे यार पंच लाइन मार रहा है, लेकिन यू नो इट हैज अ पंच. सो मैं इलियाना जी आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप साड़ी में, ये सवाल ये पूछना चाहता था लेकिन मैंने बोल दिया कि खूबसूरत लग रही हैं साड़ी में, मतलब कुछ और पहनती हैं? नहीं 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 नहीं, वो उसको जवाब दो. नहीं एक्चुअली मैंने वो इलियाना फॉर मी वो फिर लिया है दिल वाला जो थोड़ा सा, तो मैं उस मेरा वर्जन अलग है तो सॉरी. नहीं बट आपका जो रोल है इसमें, सो एक इसमें लाइन भी बहुत खूबसूरत की ऑफिसर्स की जो बीवी होती है उनको ज्यादा बहादुर होना पड़ता है, तो आपके रोल के बारे में कुछ बताइए. आई थिंक यू नो जितना कि दिखाया गया है ट्रेलर में, इट्स बेसिकली व्हाट इट इज, यू नो शी इज द स्ट्रेंथ बिहाइंड अमय, एंड इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल रोल टू प्ले, एंड आई थिंक रितेश हैज रिटन सच अ लवली रोल फॉर मी, एंड इट्स अ डिफरेंट रोल मेरे लिए, अ न्यू एक्सपीरियंस. राज वाज ब्रिलियंट टू वर्क विद, एंड Hopefully, आपको अच्छा लगेगा, आप सबको अच्छा लगेगा. नहीं हम सबको तो ऑलरेडी बहुत अच्छा. ये भी है कि जब आप एक रियलिस्टिक फिल्म बनाते हैं, और ये जरूरी है, ये फैक्ट है कि अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट हीरोज, रियल लाइफ हीरोज, वो तब तक नहीं बन सकते जब तक उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं. करेक्ट, बिना फैमिली के सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर सकते, तो आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस इन द फिल्म. ताऊ जी खतरनाक, मतलब राजा जी की फौज जो आ रही है, मौज वाला लग रहा है, जो जबरदस्त है, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा जो एक दमदार खतरनाक रोल है, तो ये कैसा रहा आपके लिए एक पूरी जर्नी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. तो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सपना था वो इस फिल्म के साथ पूरा हो गया. हालांकि मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ, लेकिन कभी उस जगह तक नहीं पहुँच पाया कि मेरे घर पर रेड पड़ सके. तो पिक्चर में ही सही, चलो रेड तो पड़ी. बहुत जल्दी मांग रहे हैं, बहुत जल्दी मांग रहे हैं, पता चले थोड़े महीनों बाद या सालों बाद पछता रहे होंगे ये लाइन क्यों बोली थी मैंने. क्योंकि इस बारात को बुलावा कोई नहीं देता सर. बट ट्रूली इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट. रितेश थैंक यू सो मच. और मैंने राजकुमार के साथ पहली बार काम किया. हर एक्टर जो है जब भी किसी नए डायरेक्टर के साथ काम करता है तो उसको पता नहीं होता है कि डायरेक्टर क्या चाहता है, किस तरह से वो काम करता है. बट आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज. आई थिंक मेरी ज़िंदगी के जो अच्छे दिन हैं उसमें ये जो 2.5 महीने मैंने गुजारे लखनऊ में वो थे. इलियाना मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं और इलियाना से मुलाकात मेरी नहीं हुई.
इस पूरी फिल्म में, क्योंकि इनका ट्रैक अलग था, मेरा ट्रैक अलग था, तो हमने बट शूटिंग पे तो मिलते होंगे? नहीं मिल पाए क्योंकि इनका बिल्कुल ही स्केड्यूल्स बिल्कुल अलग अलग थे। और अजय सर जो हैं वो जितना ज्यादा नाराज हैं पिक्चर में मुझसे, उतने नाराज थे नहीं, तो काफी हंसी खुशी का टाइम हम लोगों ने साथ में गुजारा। एक चीज मेरा इंटरेस्टिंग है कि आपने अजय सर के साथ उन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म्स में काम किया जो इनके करियर में बहुत खास रही, जैसे युवा, शिवाय, जख्म। सो वो सारे, सो हाउ इज योर पार्टनरशिप विद हिम, बिकॉज मेरे ख्याल दिस इज अ मोर मीटियर रोल एंड अ बिगर रोल। आई थिंक काम हमने बहुत कम साथ में किया, लेकिन हमारा काम साथ में बहुत कम था। So the maximum contact I had with him when he was directing Shivai, तो उस वक्त ज़्यादा interaction हम लोगों का हुआ, वरना जख्म में भी, और जख्म तो काफ़ी पुरानी बात है, और युवा में भी जो contact था हम लोगों का उतना नहीं हो पाया था। This was the film where we had a complete time to spend together. But sir, आपने बताया कि क्योंकि शूटिंग लखनऊ में, कहानी लखनऊ के आसपास ही घूम रही है, और आप भी उस तरफ से बहुत ज़्यादा आपका रापता है, सो आपने घुमाया अजय सर को वहाँ पे, मतलब सिर्फ अब तक टुंडे ही फेमस ये लखनऊ से, इसको लगता था कि लखनऊ से सिर्फ टुंडे फेमस है, मैं कहने भी रेड भी फेमस हो गई अभी रेड भी फेमस है। अजय सर को घुमाना मतलब आप घूम जाएंगे, क्योंकि क्या है, लखनऊ या हिंदुस्तान का कोई भी शहर जो है इस वक्त काफ़ी केओटिक है, काफ़ी वहाँ केओस है, काफ़ी ट्रैफिक है, और ये अगर इनके साथ अगर आप बाहर निकल गए तो आपका चलना फिरना दूभर हो जाएगा। तो मैंने कहा सर आप अलग घूमिए, मैं अलग घूमता हूँ ताकि मैं घूम लूँ। तो नाउ कैन वी हैव राइटर डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता फ्रॉम द फिल्म। सर मतलब सर आपने तो छाप दिया बिल्कुल। So how was it, sir? Ajay sir, कैसे बोर्ड पे आए, और how the film planned, थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें तो? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रितेश हैं राइटर इस फिल्म के, मैं डायरेक्टर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैंने सौरभ जी के साथ इलियाना के साथ और अजय सर के साथ काम किया। बहुत बार इतने बड़े और एकम्प्लिश्ड एक्टर के साथ जब आप काम करते हो तो थोड़ी आपकी रिजर्वेशंस होती हैं, या थोड़ी आपको समझ में नहीं आता कि क्या होगा सेट पे। बट इट वॉज प्लेजर वर्किंग विद अजय सर, इलियाना एंड सौरभ, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉम्प्लीमेंट ऑल दीज अजय सर, इलियाना एंड सौरभ सर, दे ऑल्सो मेड मी वेरी कम्फर्टेबल, एंड आफ्टर दिस फिल्म आई फेल्ट लाइक आई बिकेम अ बेटर डायरेक्टर। सो वैसा एक एक्सपीरियंस था, एंड आई वुड लाइक रियली रियली आफ्टर सीइंग द ट्रेलर ऑल्सो, क्या होता है कि जब आप डायरेक्टर हो, जब आपने फिल्म के थ्रू आप गुजरे हैं, तो जब आप ट्रेलर देखते हो तो पहली बार तब आपको कुछ मतलब आपका रिएक्शन उतना होता नहीं, बट आज देखने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हुई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस मंच पे इन सब के साथ। सर अभी क्या फील कर रहे हो राइट नाउ, आपका क्या अंदर से क्या चल रहा है? राइट नाउ आप तो देख रहे हो मैं कैसा जिब्रिश बात कर रहा हूँ, थोड़ी जर्मन आ रही थी बीच में। या आई नो बट इट वॉज प्लेजर वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। सर बट जो ये पूरी कास्ट है, मतलब आपकी जो पूरी टीम है वो बहुत ही धाकड़ लोगों की है, मतलब सारे इतने जबरदस्त हैं, तो जब ये पूरी एक टीम बन जाती है तो फिर काम करना इजी हो जाता है, या आपको लगता है कि नहीं भाई अब तो सबसे ही सबका बेस्ट निकलवाना है, लेकिन सब क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो भी एक रहता है दिमाग में? देखिए धाकड़ टीम है इसीलिए धाकड़ ट्रेलर भी है, और नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्योंकि आप लोगों के साथ काम कर रहे हो जो खुद अकम्प्लिश्ड हैं, उन्होंने आप मेरे से बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी कंटेंट है या जो भी स्क्रिप्ट है उसको अच्छी तरह से पेश करने का, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है फॉर श्योर। ऑल्सो नो वन के लिए, जैसे कि मेरे को याद है कि हल्का सा एक छोटे से फ्रेम के लिए आप आए भी थे शॉट के लिए, क्या इस फिल्म में भी आप दिखेंगे? नहीं मैं इस फिल्म में बहुत बहुत मुझे लगा कहीं आपको विश्वास के लिए थोड़ा सा। नहीं ठीक है। सो कैन वी हैव द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, लेडीज एंड जेंटलमैन, भूषण सर एंड ऑल्सो द राइटर डायरेक्टर रितेश सर, भूषण सर, कुमार सर प्लीज कम, अभिषेक सर एंड कृष्ण सर, मैं बिल्कुल यहीं से बात करता हूं, मैं इधर से निकल जाता हूं, इधर जगह बहुत, लोग सीढ़ियों पे आ जाते हैं। तो रितेश सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो सारी जो लाइंस हैं जो ट्रेलर में हम देख रहे हैं, ये ऑब्वियसली सिर्फ एक झलकी है, पूरा
और क्या क्या मिलने वाला है लाइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कैरेक्टर को ऐसी लाइन्स देने का आइडिया आपकी तरफ से कैसे आया? नहीं, नेचुरली बिलोंग करता है इस पिक्चर में बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ सब्जेक्ट, और क्रेडिट खाली मेरा नहीं है बिकॉज राज एंड आई आर वेरी ओपन एज कोलैबोरेटर्स. तो सौरभ सर हु इज हिमसेल्फ एन अकम्प्लिश्ड राइटर एंड अजय सर हु हैज मेट मेनी मेनी राइटर्स, इनकी तरफ से भी जो इनपुट्स आए हैं उसकी वजह से भी जो आप इम्पैक्ट देख रहे हैं चीज़ों का, और सेकेंडली कि पंच पंच ना लगे उस कैरेक्टर को बिलोंग करे, वो तीनों का उसमें ज़्यादा हाथ है. सर भूषण सर से मैं ये पूछना चाहूँगा, 2017 बहुत ही क्रांतिकारी साल रहा आपके लिए, तो तुम्हारी सुल्लू और हिंदी मीडियम, सो वो समझ कि ये कंटेंट चलेगा, इसमें ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है, सो इज इट समथिंग विच यू डिलिबरेटली, और हम 2018-2019-20 में भी देखने वाले? और सी, आज जो ट्रेंड चलता है, कभी एक्शन फिल्में चलती हैं, कभी कॉमेडी चलती हैं, अभी कॉमेडी भी काफ़ी चल रही हैं, रियल स्पेस सिनेमा इज़ ऑलवेज वर्किंग. जब भी हमने हिंदी मीडियम बनाई तुम्हारी सुल्लू, इट्स कनेक्टेड टू रियल स्पेस ऑडियंस. सो ये फिल्म जब कुमार जी ने मुझे बताई थी कि ये एक रेट पे आधारित है, तो कुछ कनेक्ट हम भी कर पाए बीइंग अ बिजनेसमैन, तो वो सब वाक्या मेरे को ध्यान में आया. तो तब और प्लस इनपुट्स थे आपके कि नहीं? नहीं, कोई इनपुट्स उस हिसाब से नहीं थे, थोड़ा म्यूजिक में था जो अजय सर की वजह से हम इसमें म्यूजिक भी है अच्छा. सो अब एक रियल स्पेस सिनेमा था और प्लस अजय सर उसको निभा रहे थे. उसको छोड़ ही नहीं रहे अजय सर को, बादशाह से उठाया आपने फिर इधर. नहीं, अभी नेक्स्ट भी कर रहे हैं, हम एक और फिल्म अभी शुरू हुई है सर, उसका भी टीजर यहीं पे ही दे देते. सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड वी रियली एंजॉयड, आई हैव सीन द पार्ट्स ऑफ द फिल्म्स एंड बहुत बहुत अच्छी फिल्म बनी. सो राज सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा बिकॉज कि इसमें ओरिजिनल म्यूजिक अमित का है एंड तनिष बागची इज रिक्रिएटिंग की म्यूजिक, एंड अमित आपका एक बहुत ही लंबा सफर रहा है, सो इस म्यूजिक में बिकॉज किस तरह का, मतलब इस फिल्म में कैसा म्यूजिक का फ्लेवर होने वाला है? एक समसाम दाम दंड भेद सुनते हैं पीछे बैकग्राउंड में, तो किस तरह का म्यूजिक है? देखिए, म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर और बैकग्राउंड स्कोर अमित ने दिया है, मेरा काफ़ी लंबा एसोसिएशन उनसे रहा है, प्लस तनिष ने हमारे दो गाने जी बनाए हैं. तो एक मिक्स है, एक हार्ड हिटिंग भी है और एक कपल ऑफ जो उस समय जो 80s के दौरान में जिस तरह के साउंड्स हुआ करते थे और जो फ्लेवर थे, उस तरह का भी एक मेलेडी फील्ड सॉन्ग भी है. बट अमित के साथ जैसा मेरा रहा है, जिस तरह के कटिंग एज म्यूजिक जैसा अमित देता है, उस तरह के भी गाने और बैकग्राउंड स्कोर है. ठीक है, आई गेस वी आर ओपन फॉर Q&A नाउ, आपकी तरफ से जो भी सवाल है. हाय सर, आलोक हियर आपके लेफ्ट में.